नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित शंकरलाल आचार्य में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए चावल से वशीकरण करने के कुछ ऐसे टोटके लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप किसी को भी अपने वश में करके उसे अपना गुलाम बना सकते हैं। दोस्तों, आजकल हर कोई व्यक्ति किसी न किसी से परेशान रहता है और उसे अपने वश में करना चाहता है। जैसे एक सास अपनी बहू को, एक पति अपनी पत्नी को, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को, एक लड़का किसी शादीशुदा औरत को अपने वश में करना चाहता है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो अपने आसपास के लोगों से परेशान हैं, क्योंकि वह आपको बिना बात के परेशान करते हैं, आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं और आप उनके द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं से परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कुछ ऐसा समाधान व उपाय जिनकी मदद से आप उन्हें अपने वश में करके उनसे बदला ले सकें और उन्हें अपना गुलाम बना सकें, तो दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपके लिए चावल के दाने से वशीकरण करने के कुछ ऐसे टोटके लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप अपनी सास को, अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को, किसी शादीशुदा औरत को या फिर किसी लड़की को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो वशीकरण करने के ऐसे बहुत से मेथड हैं जिनकी मदद से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं, लेकिन चावल से वशीकरण करना एक ऐसा अचूक उपाय है जिसकी मदद से आप सिर्फ कुछ ही घंटों के भीतर किसी को भी अपने वश में करके गुलाम बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन उपायों के बारे में जानने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल पंडित शंकरलाल आचार्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आप हमारी आगे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं चावल के दाने से वशीकरण करने के कुछ टोटकों के बारे में। चावल के दाने से वशीकरण करने के लिए सबसे पहले आपको चावल के कुछ दानों के साथ 4 कीलें, चिकनी मिट्टी, सिंदूर तथा कुछ फूल के साथ उस व्यक्ति की फ़ोटो चाहिए जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। और इसके बाद सबसे पहले आप चिकनी मिट्टी से एक पुतला बना लें और उसके पेट पर चावल के कुछ दाने रख दें। अब पुतले पर सिंदूर लगा दें, यानी उसके हर हिस्से पर सिंदूर अच्छे से लगा दें। अब फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर एक एक करके उस पुतले के सभी हिस्सों पर लगा दें। अब उस व्यक्ति की फ़ोटो के पीछे उसका वह अपना नाम लिख दें तथा यह करने के पश्चात इस फोटो को कील की मदद से उस पुतले के बीच में लगा दें तथा 2 कीलें उससे दोनों हाथों में लगा दें। ध्यान रहे कि आपको यह प्रक्रिया अमावस्या के दिन करनी है और इसके साथ हमारे द्वारा बताए गए मंत्र का भी जाप करें। आप देखेंगे कि इस प्रक्रिया को करने के बाद जिस भी किसी व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं वह आपके धीरे धीरे वश में होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको चावल के दाने से वशीकरण करने के यह टोटके जरूर समझ में आए होंगे। अगर आपकी इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमारे वीडियो में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें, जहाँ पर आपकी इनसे संबंधित सभी क्वेरीज़ का तुरंत समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो किसी न किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, और साथ ही हमारे YouTube चैनल पंडित शंकरलाल आचार्य को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आगे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।